जम्मू काश्मीर एनकाउंटर रे जणे सेना अधिकारी और तीन जण जवान शहीद। जम्मू काश्मीर डोडा जिले रे एनकाउंटर रे जणे सेना अधिकारी और तीन जण जवान शहीद होती। सोमवार विलंबित रात्रि रे सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्य गोली विनिमय होता। आतंकी गोली रे चार जवान शहीद होती। एएनआईआर रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रीय राइफल और जम्मू काश्मीर पुलिस मिलित सर्च ऑपरेशन समय गोली विनिमय होता। एथिरे सेनार जणे कैप्टेन को समेत चार जण जवान शहीद होते। सरकारी सूत्र न्यूज एजेंसी पीटीआई को कहुई जे आक्रमण को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गोष्ठी जैस इ मोहम्मद जेएम रो काश्मीर टाइगर्स करथिबा संदेह करा जाउछि। क्या बोल सकते हैं, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। अपने बेटा को गुमी कर दिया, अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कब पता चला? कल रात को पता चला, 11 o'clock को। कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। ऐसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे नहीं था वो, इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, बता उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है, आप शहीद हुआ है आपका लड़का, देश के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होगा तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफी, उसके लिए भी हो सकता है सख्त कार्रवाई करना चाहिए उसके खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे ऐसे भी। कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे। उसके पश्चात पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और गांव को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना हसमुख बंदा जब भी मतलब आता था छुट्टी लेकर, मतलब हर व्यक्ति से हंस के मिलना, और एक युवा मंडली में भी उसकी अलग ही पहचान थी क्योंकि हम काफ़ी सारे दोस्त थे जो एक साथ तैयारी करते थे। उनमें से जो अजय था वो टाइम पे मतलब आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई थी उसकी, और वो देश की भी अपनी सेवा दे रहा था। लेकिन अब आज के दिन ये खबर मिली तो पूरे गांव को इसका दुख है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी का इतना मतलब अच्छा नसीब होगा जो देश के लिए अपनी शहादत दे पाए। हर किसी को ये कुछ नसीबी नहीं मिलती जो अजय सिंह को मिली है।